आयुष भाई की अगर हम बात करें तो अभी तो 423 के सब्सक्राइबर है बॉय, यकीन मानो 423 के सब्सक्राइबर आयुष भाई के। तो ये जो पॉइंट मैं थे भाई, ये हो गया आयुष भाई की, क्योंकि यार उसके सब्सक्राइबर ज्यादा है। वो बॉय 11.2 मिलियन फॉलोअर, यार यकीन मानिए इतने ज्यादा फॉलोअर। ये जो पॉइंट मिलते हैं अनरेस्ट। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो? उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। तो गाइस आज जो हम रिएक्ट करने वाले हैं ऐसा अमेजिंग और ऐसा फंटास्टिक टॉपिक पे, मतलब वीडियो बना रहा हूँ। ये अपनी ऑडियंस की तरफ से बहुत मैसेज कमेंट आता है, तो अपनी व्यूअर की डिमांड पे ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ठीक है। और इस वीडियो में हम जो गाइस देखने वाले हैं, बेसिकली आप लोग जानते हैं नेपाल का दो फेमस फैमिली है, एक है अलरेश, दूसरा है आयुषा, जो पाकिस्तान और नेपाल के बीच भी फैमिली है, बहुत फेमस है, बहुत ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं। तो गाइस इस टॉपिक पे जो हम डिस्कशन करने वाले, बेसिकली सोशल मीडिया की पावर देखने वाले इन दो फैमिली की, कौन सा फैमिली की ज्यादा व्यूअर है, मतलब ज्यादा पॉपुलर है। तो हम देखने वाले फेसबुक पे भी देखने वाले, टिकटॉक पे भी देखने वाले, इंस्टाग्राम पे भी देखने वाले, यूट्यूब पे देखने वाले, ठीक है। तो इसका प्रूफ मैंने निकाला है सारे प्रूफ, ठीक है, उसका किंग की भी, उसका क्वीन की भी, मतलब दोनों की, लाइक एक किंग होते हैं फैमिली का, दूसरा क्वीन होते हैं ना, तो दोनों के हमने निकाला हुआ है। और देखते हैं किस फैमिली की ज़्यादा व्यूअर है, मतलब ज़्यादा फॉलोअर है, और मतलब डिफरेंट प्लेटफॉर्म हम देखने वाले। तो बहुत ही इंटरेस्टेड अमेजिंग टॉपिक है, तो जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, नो हिट, हम किसी भी फैमिली को हिट नहीं करने वाले। दूसरा, हमने एक वीडियो बनाया था इससे पहले, जो कि हमने ईद की बात किया था, अलरेश ईद वैसे आयुषा ईद, तो आप लोग की तरफ से काफ़ी डिमांड आया था। वसीम भाई, आप मतलब अलरेश फैमिली के ऊपर ज़्यादा वीडियो बनाते, वो है ये भाई, मैं ऐसा नहीं हो, आप लोग के डिमांड पे मैं वीडियो बनाता हूँ। वो लोग मुझे बोलते हैं तो मैं उनसे कमेंट करता हूँ, वो लोग तो आप लोग भी कमेंट करते थे ना, जिस भी वीडियो पे आप लोग मतलब रिएक्शन मांगते तो जस्ट कमेंट करना, इंशाल्लाह आपकी वीडियो पे जल्द रिएक्ट करूँगा, हमारा काम है भाई, हमारा ड्यूटी है, तो आप लोग मुझे बताना, ठीक है। सो लेट्स सी व्यू, देखते चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे, ऐसा इंटरेस्टेड अमेजिंग अमेजिंग वीडियो देखने के लिए। सो लेट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम देखने वाले गाइस टिकटॉक पे, हम देखने वाले अलरेश वर्सेस आयुषा को। तो यार आप लोग बताए, टिकटॉक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे व्यूअर जो है ना डेली इंगेज रहते हैं, और ज़्यादातर जो लोग टिकटॉक को यूज़ करते ना वो ज़्यादा ही यूज़ करते, क्योंकि यार देखो यूट्यूब लोग यूज़ करते ना, जा करके ओपन करते, फिर जल्दी से वो वीडियो देख लेते, काम पूरा करते, फिर निकल जाते, क्योंकि वहाँ पे इतना एंटरटेनमेंट की, इतना इंगेजमेंट वहाँ पे नहीं मिलते लोगों को, इतना एंटरटेनमेंट नहीं मिलता है जो टिकटॉक पे मिलते हैं भाई। यकीन मानिए टिकटॉक पे आप लोग को इतना अच्छे अच्छे वीडियो मिलते हैं, मतलब लोग देखते हैं ना, लोग मोटिवेट होते हैं, खुश होते हैं, फनी वीडियो में मिलते हैं ना, तो बहुत मज़ा आता है वहाँ पे। और दूसरा जो है फेसबुक, फेसबुक को फिर ऊपर हम डिस्कशन करेगा। टिकटॉक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि ज़्यादा व्यूवर वहाँ पे देखते हैं। अगर किसी फैमिली ने ये पॉइंट जीता, ठीक है, तो समझ लो इस फैमिली का ज़्यादा व्यूवर है, मतलब ज़्यादा पीपल उसको पसंद करते। सो लेट्स हम देखते हैं, डिस्कशन करने वाले हमारे साथ प्रूफ आ चुके हैं, ठीक है। जो फर्स्ट ऑफ फर्स्ट हम जो देखने वाले यूज़र के देखने वाले यूज़र फैन के कितना फॉलोअर है टिकटॉक पे। फर्स्ट ऑफ फर्स्ट हमने जो किए मतलब गेस किया है वो है लीजा जमाली, जिसके ऊपर टिकटॉक पे 2 मिलियन फॉलोअर है भाई। यकीन मानिए 2 मिलियन फॉलोअर को इकट्ठा करना इतना मतलब छोटा काम नहीं है। 1.71.6 मिलियन इसकी लाइक है, ओके, और मतलब बहुत अच्छा, बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया फॉलोअर है। दूसरा हम बात करते हैं क्वीन की, सॉरी किंग की बात करना, आयुष सिंह ठाकुरी, जिसके 1.4 मिलियन फॉलोअर। ओ भाई यार कितना अच्छा फॉलोअर है यार गाइस, टिकटॉक पे इतना फॉलोअर। और आयुष भाई की व्यू के बात करें तो बहुत अच्छा व्यू आते हैं, बहुत अच्छे लाइक, लोग लाइक भी करते हैं। सो ये तो भाई था आयुषा की, अब हम बात करने वाले अलरेश की भाई, वो देखने वाले उसके कितने फॉलोअर है टिकटॉक पे। सो फर्स्ट ऑफ फर्स्ट हम देखने वाले अलरेश की क्वीन, वो बॉय 11.2 मिलियन फॉलोअर, यार यकीन मानिए इतने ज्यादा फॉलोअर, 11.2 मिलियन फॉलोअर, ये है कौन ये लड़की यार? ओ भाई ये तो एक डॉक्टर भी है ना, MBBS की डॉक्टर है भाई, ज्यादा फॉलोअर है, और इसकी लाइक 312.1 मिलियन मतलब लाइक है यार, इसने तो सब कुछ पीछे करवा दिया। चल ठीक है भाई, ये तो इसकी पावर मतलब ज्यादा है टिकटॉक पे, बहुत फेमस है। ओ भाई ग्रीन टिक लगाया है, ग्रीन टिक टिकटॉक से मिला भाई, वो तो वेरीफाइड भी है ना, और 11.2 मिलियन फॉलोअर यार, इसको गेन करना इतना छोटा मोटा काम नहीं यार। ओके हम देखने वाले अलरेश की, जिसकी भाई 628.8 के फॉलोअर है, मतलब 628,800 उसकी फॉलोअर है, और 7.7 मिलियन उसकी लाइक है। ओ हो भाई अच्छा, माशाल्लाह बहुत अच्छा। तो गाइस यहाँ पे जो हम बात कर ले, अगर हम अलरे आयुषा की बात करें, एक तो अलीजा की 2 मिलियन था, आयुष की 1.4, मतलब
ज्यादातर जो फॉलोअर बनते हैं 4 मिलियन बनते हैं ना, दो लीजिए। यहाँ पे देखो यार अलरेश के तो भाई फॉलोअर ज्यादा है, 11.2 मिलियन फॉलोअर। तो गाइस ये जो पॉइंट मिलता है अलरेश को, क्योंकि यार अलरेश की फॉलोअर ज्यादा है टिकटॉक पे, वहाँ पे ज्यादा लोग उसको देखने वाले हैं। ओके तो ये टिकटॉक की जो मतलब पॉइंट मिलने वाले अलरेश को भी मतलब मिलेगा। इसके बाद जो हम बात करने वाले यूट्यूब, जो कि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि ज्यादातर लोग उसको यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम देखने वाले दोनों फैमिली के किस किस ज्यादा सब्सक्राइबर है भाई। असल से जो काम है यूट्यूब है, तो देखते पहले हम देखने वाले है भाई यूजर को देखने वाले। तो यूजर में से हमने जो पहले गेन किया है वो है आयुष भाई को हमने उठाया है। तो आयुष भाई की अगर हम बात करें तो 423 के सब्सक्राइबर है बॉय, यकीन मानो 423 के सब्सक्राइबर आयुष भाई के, जो कि वो ताल्लुक रखने वाले यूजर फैमिली से, वो किंग है, किंग के नाम से समझते हैं, यूजर का किंग है। तो भाई ये तो बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर है यार, देखते उसकी क्वीन, देखते क्वीन के कितने सब्सक्राइबर है भाई, 459 के सब्सक्राइबर लगभग, मतलब जो बनता है इसके सब्सक्राइबर वो 1 मिलियन होना चाहिए या 1 मिलियन से ज़्यादा है। सो इस टाइप के कुछ सब्सक्राइबर है। उसके बाद हम देखने वाले हैं अलरेश की, अलरेश की अगर हम बात करें आलिया, डॉक्टर आलिया की, जिसकी 1,35,000 के सब्सक्राइबर है, ठीक है। और अगर हम किंग की बात करें तो भाई उसका है 57,000 सब्सक्राइबर है। तो ये जो पॉइंट मिलते हैं भाई ये हो गया आयुषा की, क्योंकि यार उसके सब्सक्राइबर ज़्यादा है, वहाँ पे व्यूवर ज़्यादा देखते हैं। पर मैं जो मतलब पॉइंट मिलने वाला है वो हो गया किसकी, आयुषा की 1 पॉइंट, अलरेश दूसरा हो गया आयुषा, और सर्चिंग में जो है वो दोनों से। ओके सो उसके बाद जो हम देखने वाले गाइस इंस्टाग्राम हम देखने वाले, जो कि भाई कम लोग उसको यूज करते हैं और यहाँ पे फॉलोअर गेन करना अम्पॉसिबल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखने वाले रेस की, देखने वाले रेस की जो क्वीन है डॉक्टर आलिया, उसकी 532,000 फॉलोअर है भाई, कोई और यकीन मानिए उसको ग्रीन टिक भी मिला है। वाह कमाल की बात यार, इतना ज़्यादा फॉलोअर गेन करना अम्पॉसिबल है। सो उसकी किंग की अगर हम बात करें तो भाई 27,300 फॉलोअर है भाई, 27,300 फॉलोअर है सुरेश लामा, जो कि एक सिंगर है। ओके सुरेश लामा अपन लोग जानते हैं कि वो एक सिंगर है। उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं यूजर फैमिली की इंस्टाग्राम पे, तो भाई उसका जो अलीजा है, अलीजा जमाली, जो कि यूजा की क्वीन है, उसकी 3,59,000 फॉलोअर है, 3,59,000। ओके तो भाई बहुत बढ़िया फॉलोअर यार, इतना फॉलोअर गेन करना पॉसिबल, 3,59,000 है। उसके बाद अगर हम आयुष भाई की बात कर ले तो आयुष भाई की 1,101,000 फॉलोअर है उसकी। ओके 101K, तो इसको अगर हम इकट्ठा कर ले दोनों को तो ये लगभग बनता है 4,60,000 फॉलोअर इन दोनों का बनते हैं, ये 4,70,000 होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें अलरेश की, तो अलरेश की तो क्वीन की है 5,32,000 के फॉलोअर, और सुरेश लामा की 27,000 है। तो भाई लगभग ये जो बनता है ना कम से कम 5,55,000 बनते हैं। तो ये जो पॉइंट मिलते हैं भाई वो हो गया अलरेश की, अलरेश की 2 पॉइंट हो गया, और आयुषा की हो गया 1 पॉइंट। उसके बाद जो हम देखने वाले गए इस फेसबुक पे, फेसबुक भी टिकटॉक की तरह सेम टू सेम एक प्लेटफॉर्म है जो ज़्यादा लोग उसको यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम देखने वाले हैं भाई अलरेश की देखने वाले हैं फेसबुक पे, डॉक्टर आलिया जिसकी नाम से एक अकाउंट बना हुआ है, 3 बिलियन फॉलोअर है भाई फेसबुक पे, 3 बिलियन फॉलोअर, यकीन मानी यार इतना ज़्यादा फॉलोअर गेन करना पॉसिबल है यार भाई, 3 बिलियन। ये भी अकाउंट मुझे ऐसा लगता है फेक अकाउंट है, क्योंकि यार उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अकाउंट बने हुए हैं, ठीक है। सो उसके बाद हम देखने वाले उसका किंग की अगर हम बात करें सुरेश लामा, जिसकी 55,000 फॉलोअर है फेसबुक की, 55,000। तो उसके बाद हम बात करने वाले यूजर की, जो कि एक अकाउंट बना हुआ है आयुष अलीजा जनता दोनों के नाम से एक इकट्ठा अकाउंट बना हुआ है, 1,87,000 फॉलोअर है भाई, 1,87,000 फॉलोअर, वाह कमाल की बात है। ओके आयुष की तो अकाउंट यहाँ पे मैंने वो सर्च किया लेकिन नहीं मिला, आयुष की भी मुझे ऐसा लगता है कि 1,00,000 से ऊपर अकाउंट मतलब फॉलोअर है। तो यहाँ पे जो भाई पॉइंट मिलता है, ठीक है, अगर उसका 1 मिलियन फॉलोअर हो तो यहाँ पे जो पॉइंट मिलने वाले वो भी अलरेश का मिलेगा, क्योंकि यार अलरेश की क्वीन की बहुत ज़्यादा फॉलोअर है, बहुत फेमस है यार डॉक्टर है आप लोग जानते हैं। जो अलीजा के अकाउंट बना हुआ है फेसबुक पे, उस पर 56,000 फॉलोअर है अलीजा जमाली, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये उसका वेजन होगा या फेक, आई डोंट नो, छोटा सा क्लिप तो जो कि मुझसे बाकी हो, तो मैंने सोचा इसके ऊपर मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता हूँ। तो बेसिकली इसमें हम देखने यूट्यूब पे हम देखने वाले भाई कितनी ही फैमिली की ज्यादा वीडियो अपलोड होता है, ठीक है। तो बेसिकली हम जो बात करने वाले ना,
एक घंटा में हम देखने वाले कि अलरेश की कितना वीडियो अपलोड होता है और आयुषा की कितने वीडियो अपलोड करते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं आयुषा की, तो लेट्स गो। यहाँ से मैं चलता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा है आयुषा निज वीडियो, तो यहाँ से मैं सर्च करता हूँ। तो मैं जैसे सर्च करता हूँ ऊपर थ्री डेट पर क्लिक करता हूँ और सर्च फिल्टर पर क्लिक करता हूँ। यहाँ से मैं चलता हूँ अपलोड डेटा एनी टाइम, तो यहाँ से देखो एनी टाइम लास्ट टू लास्ट आवर टूडे, आज के दिन में हम देखने वाले कितने वीडियो इस पर ऊपर बने हुए। सर्च करता हूँ मैं, मतलब मैं लाइक करता हूँ, तो यहाँ पे देखता हूँ भाई कितने वीडियो बने। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ओके 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, ओके 32 वीडियो एक ही दिन में इसके ऊपर 32 वीडियो बने। उसके बाद हम देखने वाले अलरेश के, देखने वाले अलरेश न्यू वीडियो। ओके यहाँ से मैं सर्च करता हूँ अलरेश न्यू वीडियो। जैसे मैं सर्च करता हूँ गाइस, यहाँ से मैं अलरेश न्यू वीडियो लिखता हूँ और ऊपर मैं थ्री डॉट पर क्लिक करता हूँ। ओके लेट्स गो, यहाँ पे मैं एनी टाइम और यहाँ से सॉरी एनी टाइम टूडे करता हूँ और सर्च करता हूँ, देखता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो भाई यहाँ पे जो विनर है ना वो है आयुषा, क्योंकि आयुषा की भाई 32 वीडियो और यहाँ पे 18 वीडियो मतलब अलरेश की बने हुए। तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने वीडियो को देखा होंगे, जो कि अलरेश का जो विनर थे, जो सपोर्टर थे, मतलब वो ज्यादा थे टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे भी ज्यादा थे, क्योंकि यार डॉक्टर आजाद बहुत फेमस है, बहुत फेमस टिकटॉकर भी है, इंस्टाग्राम पे भी बहुत ज्यादा फॉलोअर है, फेसबुक पे भाई पूरा पाकिस्तान उनको सपोर्ट कर दे, बांग्लादेश से उनको सपोर्ट मिलता है टिकटॉक, क्योंकि भाई जो डॉक्टर आलिया है उसका फॉलोअर बहुत ज़्यादा है यार, वो ऐसा मामूली नहीं है ना, बहुत लोग उसे पसंद करते हैं, उसका फॉलोअर बहुत ज़्यादा है। तो ज़्यादातर जो पॉइंट मिल के वो अलरेश का हो गया, तो अलरेश इज़ अ विनर। ओके इस वीडियो में जो अलरेश ने मतलब गेम खेला वो अलरेश का ही पॉइंट ज़्यादा थे, तो अलरेश का सपोर्टर ज़्यादा है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि आयुषा की भी कम है, आयुषा का सपोर्टर ज़्यादा है। तो यार आप ऐसे बहुत लोग ऐसे भी बोलेगा वसीम भाई देखो ये दो फैमिली है, एक है अलरेश दूसरा है आयुषा। तो मैं आप लोग के लिए भाई बात को क्लियर करना चाहता हूँ कि आप लोग भी कमेंट ना कर ले वसीम भाई आपने ये कर लिया वो कर लिया, देखो ये दो फैमिली है ठीक है, और एक अलरेश है दूसरा आयुषा है। मैं जानता हूँ कि आयुषा की फैन ज़्यादा है, ऐसा नहीं बोल सकता कि वो कम है, लेकिन मैंने भाई सोशल मीडिया की बात की ठीक है, प्लेटफॉर्म की बात की, फेसबुक पर कितना फॉलोअर है, टिकटॉक पर कितना फॉलोअर है ना, तो मैंने इसके ऊपर बात की है, बाकी मैंने फैमिली के साथ बात नहीं किया कि आयुषा, मुझे क्या पता कि आयुषा कितना फॉलोअर होगी, मतलब कितना फैन होगी ना वो जो चाहने वाले लोग हैं। तो जो हमने डिस्कशन की वो तो आप सब ने देखा, प्रूफ के साथ मैंने दिखाया आप सबको, आप लोग खुद भी देख सकते जा करके आप खुद देख लो, अगर मेरे पे यकीन नहीं है ठीक है, मैंने सब कुछ आपको प्रूफ के साथ दिखाया, जो ज़्यादातर मतलब लोग देखने वाले लोग थे वो अलरेश की थी। ये तो भाई प्लेटफॉर्म की हम बात कर लें, आई डो नॉट नो उसके कितने लोग होंगे चाहने वाले लोग, वो तो अलग बात है ना, अलग बात है। ऐसे बहुत लोग ऐसे भी कमेंट करते हैं भाई डॉक्टर आलिया तो भाई एक फेमस क्रिएटर है ना, मैं जानता हूँ उस डॉक्टर आलिया बहुत फेमस है, उसका ज़्यादा फॉलोअर है, क्योंकि वो तो भाई अलरेश फैमिली से ताल्लुक रखने वाले ना, तो उसमें शामिल है। अगर भाई इस तरह अलीज़ा फेमस होते, इतना फॉलोअर उसका गेन होते थे, तो भाई ये तो पॉइंट उसको अलीज़ा को मिल जाते ना। बाकी वीडियो को गाइस यहाँ पे एंड करते हैं, अगर आप लोग इस तरह और वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपकी वीडियो भी जल्दी क्लिक किया जाएगा। चैनल पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे, इस तरह इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए।